समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और देश के पूर्व रक्षा मंत्री व समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन केक काटकर सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर व मिठाइयां खिलाकर बधाई दी तथा नेताजी के दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह का यह 83वां जन्मदिन है। कुश्ती के अखाड़े से निकल राजनीति के मैदान में झंडे गाड़ने वाले हमारे अभिभावक नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह ने अपने दम पर समाजवादी पार्टी खड़ा किया और कई बार प्रदेश की सत्ता संभाली। वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे बल्कि 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी रहे। नेताजी अपनी बात पर हमेशा कायम रहते हैं। संबंधों का निर्वहन कोई नेताजी से सीखे। निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने वाले गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों सहित सभी धर्मों वर्गों का सम्मान करने वाले नेताजी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देते हुए हम सब की कामना है कि नेताजी स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना साहनी ने कहा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के संरक्षक, जिनको पूरे देश में अगर नेताजी के नाम से किसी को संबोधित किया जाए तो ये मान लिया जाता है कि नेताजी किसको कहा जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र नेताजी के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का 83वां जयंती है। इस उनके जन्मदिन पर हम समाजवादी लोग कार्यालय पे आज इकट्ठा होकर के केक काट करके खुशी मना रहे हैं और ईश्वर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, उनका सानिध्य हम सभी को प्राप्त होता रहे। क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के एकलौते ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने, अभी आप देखा सैनिकों के मामले में जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो उनके पहले जब कोई भी हमारा सैनिक शहीद होता था तो उसके बॉडी को सम्मान के साथ उसके घर नहीं पहुंचाया जाता था। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बने तो डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने व्यवस्था दिया कि सैनिक कहीं भी शहीद हो सम्मान के साथ उसके परिवार को डेड बॉडी सौंपी जाती है और सलाम करते हुए, सलूट करते हुए उसका दाह संस्कार किया जाता है। आर्थिक सहयोग की भी व्यवस्था माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया और आपके उत्तर प्रदेश में चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे किसानों के लिए आर्थिक सहयोग का मामला हो, चाहे जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं, जितना माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में किया है आज तक किसी ने नहीं किया। आप जानते हैं उसी उनके अधूरे जो सपने हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज माननीय अखिलेश यादव जी उसी रास्ते पर चलते हुए काम कर रहे हैं।